हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज खान शोकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर एटीन करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल और आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे अबाउट द थियोरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा थर्ड पार्ट रहेगा अगर इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू अभी तक आपने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो वहां पर आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था मैंने आपको उसी टाइम बताया था यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेक्चर के अंदर यह कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को एज अ मेजर ऑफ द फॉर्मूला एरर अ नंबर ऑफ मैथमेटिकल टेस्ट नोन एज डैश ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूले है आपको बताना है इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज जो भी अभी तक हमने यूज की चाहे हम सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करें चाहे हम लास्पियर्स मेथड की बात करें पास्टी की बात करें फिशर की बात करें केली की बात करें मार्शल एजवर्थ की बात करें सारे के सारे इंडेक्स नंबर्स में कुछ ना कुछ एरर आता है अब उसी एरर को मेजर करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल टेस्ट करते हैं आपको बताना है उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ये जो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी होता है दीज टेस्ट आर समटाइम्स रेफर्ड एज क्राइटेरिया फॉर अ गुड इंडेक्स नंबर आप ये भी याद रखोगे इट इज समाइम ऑल्सो रेफर्ड एज क्राइटेरिया फॉर अ गुड इंडेक्स नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में विच अमंग इज यूज टू मेजर द फॉर्मूले एरर आपको बताना है फॉर्मूला में एरर को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं यूनिट टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सर्क्यूलर टेस्ट इन सारे टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला में एरर को मेजर करने के लिए द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज ए बी सी एन डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी डैश टेस्ट रुकयोर्स दैट द इंडेक्स नंबर फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच द प्राइस और क्वांटिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज आर कोटेड आपको बताना है वो कौन सा टेस्ट होता है जो कि हमें बताता है इंडेक्स नंबर जो है इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला जो है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यानी कि यूनिट से इंडेक्स नंबर फॉर्मूला पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं यूनिट टेस्ट ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में ऑल द फॉर्मूले एक्सेप्ट डैश सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट आपको बताना है वो कौन सी फॉर्मूला है जो कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं इंडेक्स नंबर्स में वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं हावेवर खाली एक टेस्ट ऐसा है एक फॉर्मूला ऐसी है जो कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने सिंपल एग्रीगेट मेथड पढ़ा था इसके कुछ डिसएडवांटेज थे पहला ही डिसएडवांटेज का आता था इस पे यूनिट्स का काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट वाज सजेस्टेड बाय आपको बताना है टाइम रिवर्सल टेस्ट किसने दिया था अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे मिस्टर चार्ली मैंने आपको इंडेक्स नंबर के पहले लेक्चर में ही बताया था मिस्टर चार्ली ने क्या किया था ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंडेक्स नंबर ओके और ये इटालियन था अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे सर फ्रांसिस गैल्टन ने क्या किया है इसने दिया है रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाउएवर हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है स्टिल आप इसको याद रखोगे पास्टी ने क्या दिया है पास्टीज इंडेक्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज प्रोफेसर इरविंग फिशर टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है इट वॉज गिवन बाई प्रोफेसर इरविंग फिशर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में Time reversal test is satisfied when dash. आपको बताना है है कब satisfy हो जाता है? जब P01 into P10, किसके बराबर होगा? One के बराबर होगा के राइट आंसर ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया था हाव एवर कभी कभी क्या लिखा जाता है कभी कभी इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है जनरली पी ए बी इंटू PBA, ये किसके बराबर होना चाहिए वन के बराबर ये भी आप याद रखोगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है चाहे पी जीरोक्वल टू वन आ जाए चाहे पी ए बी इंटू पी बी एक्वल टू वन आ जाए दोनों की मीनिंग सेम ही है अब अगर हम इस टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे ये हमें क्या बताता है ये हमें बताता है कि अगर हम इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करेंगे ऑन सेम डेटा अगर हम क्या करेंगे इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करेंगे ऑन सेम डेटा यूजिंग सेम फॉर्मूला लेकिन खाली अगर हम क्या करेंगे बेसिस को रिवर्स करेंगे बेसिस को रिवर्स करेंगे तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है एज एन एग्जाम्पल

टेन और टेन कैंसिल तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ठीक है जो भी इंडेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम बोलते हैं कि उस इंडेक्स नंबर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को को पास कर लिया बेसिस रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया अगर हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे कोई भी इंडेक्स नंबर लेटर प्राइस इंडेक्स नंबर अगर हम निकालेंगे ऑफ करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर और अगर हम क्या निकालेंगे उसी डेटा पे सेम फॉर्मूला से निकालेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इत रेस्पेक्ट टू करंट ईयर तो उन दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में रेसिप्रोकल होना चाहिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी फॉर्मूला ऐसी है जो कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिसफाई नहीं कर लेता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज

Then both of these index time test. अगर लास्ट पीयस का प्राइस इंडेक्स इक्वल होगा पास चीज के प्राइस इंडेक्स के बराबर उस टाइम पे ये दोनों इंडेक्स क्या करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को सैटिस्फाई कर लेते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वॉज प्रपोज बाय आपको बताना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसने प्रपोज किया था किसने दिया था अगेन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज प्रोफेसर एरविंग फिशर टाइम रिवर्सल टेस्ट ये किसने दिया था इट वॉज प्रपोज बाई प्रोफेसर एरविंग फिशर और इसी पैटर्न पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी किसने दिया था प्रोफेसर एरव फिशर ने और अगर हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमें बताता है पी जीरो वन इंटू क्यू जीरो वन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो विच इंटर्न इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी जीरो वन ये भी आप याद रखोगे ये स्टेटमेंट आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट होल्ड्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स आपको बताना है वो कौन सा टेस्ट है जो कि हमें बताता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल होना चाहिए वैल्यू इंडेक्स के सिंपली पी जीरो वन इंटू क्यू जीरो वन किसके बराबर होना चाहिए वी जीरो वन के अभी मैंने आपको बताया इस टेस्ट को हम बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ये वाला क्वेश्चन जे के एक शिप में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपको बताना है इनमें से कौन सी फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज ओनली सेटिस्फाइड द द फिशर्स आइडल इंडेक्स ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर जितनी भी फॉर्मूलाज हमने पढ़ी है इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए उनमें से खाली फिशर्स आइडल इंडेक्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है एक और एडिशनल पॉइंट यहां पे मैंने नोट में डाला हुआ है इफ लास्पीर्स प्राइस इंडेक्स इक्वल टू पास प्राइस इंडेक्स देन बोथ ऑफ दीज इंडेक्स नंबर रिवर्सल टेस्ट सेम अगर लास्ट प्राइस इंडेक्स एंड पास प्राइस इंडेक्स आपस में इक्वल होगा तब जाके ये दोनों इंडेक्स नंबर्स भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिसफाई कर लेते हैं ठीक है लेकिन जनरली अगर देखा जाएगा तो ओनली फिशर्स आइडल इंडेक्साइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और ये जो फिशर्स आइडल इंडेक्स है वाई फिशर्स इंडेक्स इज नोन एज आइडल इंडेक्स प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था इट इज नोन एज आइडियल इंडेक्स बिकॉज ये क्या करता है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर इलेवन सर्क्यूलर टेस्ट वॉज सजेस्टेड बाय आपको बताना है सर्कुलर टेस्ट जो है यह किसने दिया था प्रपोज किया था ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज वेस्टर्न गार्ड ने क्या दिया था इसने टाइम रिवर्सल टेस्ट दिया था मैं बार बार बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हावेवर जो सर्कुलर टेस्ट है ट वॉज सजेस्टेड बाई वेस्टर्न गॉड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बारे में डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट फॉर मोर देन टू पीरियड्स आपको बताना है वो कौन सा टेस्ट है जिसको माना जाता है एक्सटेंशन किसकी एक्सटेंशन टाइम रिवर्सल टेस्ट की और जिसमें हम दो से ज्यादा टाइम पीरियड्स को कंसिडर करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर टेस्ट ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ठीक अगर आप कोई भी टेस्ट देखोगे चाहे आप यूनिट टेस्ट की बात करो टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करो या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करो हर जगह पे हम क्या करते हैं दो टाइम पीरियड्स लेते हैं टू टाइम पीरियड्स लेते हैं एक होता है आपका बेस ईयर और दूसरा होता है आपका करंट ईयर हाव फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं दो से ज्यादा टाइम पीरियड्स को कंसिडर कर लेते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में विच ऑफ दी ए बी इंटू पी बी सी इंटू पी सी एज इक्वल आपको बताना है कौन सा टेस्ट सेटिस हो जाता है जब पी ए बी इंटू पी बी सी इंटू पी सी ए का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा वन के बराबर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज सर्क्यूलर टेस्ट लेकिन यहां पे कंडीशन आपको एक याद रखनी है वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड बी शुड नॉट बी इक्वल एन टू सी ए बी सी आपस में कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए ठीक है तब जाके हम बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई कर लेता है सर्कुलर टेस्ट और कंफ्यूजन क्रिएट uh, करने के लिए कभी कभी आपको स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जा सकता है पी जीरो वन इंटू पी वन टू इंटू पी टू जीरो इज इक्वल टू वन चाहे आप पी ए बी इंटू पीबीसी इंटू पी सी एज इक्वल देखो चाहे आप पी जीरो वन इंट पी वन टू इंटू पी टू जीरो की मीनिंग सेम ही है ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था और यह वाला क्वेश्चन अलग से जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बारे में सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द इंडेक्स नंबर्स फॉर्मूला बेस्ड ऑन आपको बताना है सर्कुलर टेस्ट कौन-कौन सी फॉर्मूला जो है सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स यस ये वाली फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है केलीज़ फिक्स्ड बेस मेथड ये फॉर्मूला भी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है इन दो मेथड्स के अलावा कोई भी फार्मूला सर्क्यूलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर लेता है सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज बोथ ए एंड बी खाली ये दो फॉर्मूला सर्क्यूलर टेस्ट को कर लेते हैं। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाइड द डैश आपको बताना है मार्शल एजवर्थ मेथड जो है ये किस टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट ये वाला क्वेश्चन एज इट इज जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था मैंने आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट के टाइम पे बताया था दैट जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है खाली पीर्स इंडेक्स एंड पास्ट चीज इंडेक्स इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है बाकी भी हैं, वो सारे को कर लेते हैं। तो होपफुली तो आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं अब इस इंडेक्स नंबर के रिलेटेड खाली एक पार्ट आ जाएगा पार्ट फोर दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जहां पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स के बारे में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है ठीक है इन सारी चीजों के बारे में हम वहां पे डिस्कशन करेंगे अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गुड बाय